सो गाइस आज की इस वीडियो को अगर आप फुल वॉच करते हो ना तो गाइस जैसे कि थंबनेल में बना हुआ है आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के अंदर वी बैडिस को लगा सकोगे। गाइस यहाँ पे मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि गाइस आप यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर यानी आपका जो नेम टैग होता है ना उसके पीछे आप वी बैडिस कैसे लगा सकते हो जिस तरह प्रो लोगों के होते हैं, और अगर आप यूट्यूबर हो ना तो भी आप लगा सकते हो, और अगर नहीं भी हो ना आप जीरो सब्सक्राइबर यूट्यूबर ही नहीं हो भाड़ में या यूट्यूबर लेकिन आप नहीं भी हो ना तो भी आप लगा सकते हो वी बैडिस, आपको कोई टेंशन की बात नहीं। और पहली बात आपको उसके लिए कोई पेमेंट कोई पैसा वगैरह नहीं देना पड़ेगा, टोटली फ्री है, नो डायमंड नो मनी कुछ भी नहीं गाइस, आप फ्री में यहाँ पर ले सकते हो। गाइस वीडियो को एकदम बने रहना फुल एंड तक, एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना। सो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस जैसा कि मैं आ चुका हूँ अपने फ्री फायर के अंदर, एंड चलो गाइस आपको फटाफट से मैं यहाँ पर करके दिखा दूँ। गाइस यहाँ पे एक ट्रिक है जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, एंड वो ट्रिक है कस्टम ट्रिक। गाइस बहुत सारे लोगों को कस्टम में भी बेटिस कैसे लगाते वो आपको पता होगा, नहीं पता तो यार वीडियो देख लेना। गाइस यहाँ पर मैंने बताया नहीं तो उस वीडियो में, बट आप यूट्यूब पर और भी वीडियो देख सकते हो। इसमें क्या बोल रहे थे कि भाई जब अपन यहाँ पर नेम टैग में यहाँ पर जाएंगे एंड लिखेंगे ब्रैकेट डाल के S0 उसके बाद वापस से ब्रैकेट यानी बड़ा वाला ब्रैकेट ठीक है वो डालोगे, वो जो हमारा वी बेटिस का कोड जाएगा जिसके आगे हम कुछ भी लिखोगे तो वो चल जाएगा। बट गाइस ऐसा नहीं होता, वो नहीं पॉसिबल है क्योंकि गाइस यहाँ पर नेम टैग में एक रूल है फ्री फायर का जिसमें आप यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह यूज नहीं कर सकते। गाइस यहाँ पर भी नेम टैग चेंज करना अगर चाहूंगा ना उस ब्रैकेट को लगा के तो एरर आ जाएगा, यू विल यूज ऑड वर्ड यानी गाइस आप गलत अल्फाज यूज करो अपने नेम टैग में ठीक है नेम टैग में। सो ये सीन होता है, लेकिन गाइस अगर आप चाहते हो कि गाइस आपको वैसे ही मिले फ्री में मिले एंड कोई गलत नेम टैग नहीं सिंपल आपको मिले वी बैडिस तो आपको क्या करना है ठीक है तो मैं आपको बताता हूं। सो गाइस आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, बस गाइस आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, यार डिस्क्रिप्शन में जाओ, बस इस वीडियो को लिंक कॉपी करो एंड जाओ क्रोम पे, एंड क्रोम पे जाने के बाद वहां पर इस लिंक को पेस्ट करो एंड वीडियो आपकी खुद को चल जाएगी वहीं क्रोम पे, एंड फिर जाओ डिस्क्रिप्शन में एंड फिर आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में जो भी वो आप कॉपी कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरह का वी बैडिस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस आपको यहाँ पर उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है एंड यहाँ पर आपको कुछ भी जो नाम होगा वो लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ये डाल देता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ ZA Gaming YT। सो गाइस ये देखो गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया है ZA Gaming YT एंड यहाँ पर आप यहाँ पर देखो 390 डायमंड मांग रहा है। गाइस आपका जो वी बैडिस है ना वो आपका वी बैडिस मतलब येलो कलर का नहीं रहेगा, वो बैडिस आपका व्हाइट कलर का रहेगा एंड मतलब सही लगेगा गाइस थोड़ा वो तो अच्छा ही लगेगा, बट आप अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर इस तरह प्रोफाइल में आपको अगर इस तरह जिस तरह मैंने करा उस तरह आपको करना है, बटन में क्लिक करके वीडियो देख लेना वहाँ पे ये करने का आपको तरीका मिल जाएगा, वहाँ से आप ये लगा सकते हो। बट गाइस इस वीडियो में आपको नेम टैग में कैसे लगाना था ये मैंने आपको बताया, सो ये तरीका है नेम टैग में लगाने का। अगर आपको रियल वाला बैडिस चाहिए तो यार उसके लिए आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, 1K 1 लाख सब्सक्राइब वगैरह करने पड़ेंगे, तो ये ट्रिक है गाइस। लेकिन ये मतलब ये सही भी है यार, मतलब भले आपका वर्क ना ये एकदम असली वाला ना होता हो लेकिन यार सही लगता है, अच्छा लगता है, नेम टैग टाइट लगता है ठीक है। तो गाइस कमेंट में जरूर बताना आपको ये वाला बैडिस कैसे लगा ठीक है गाइस, अगर अच्छा लगा तो यार जरूर बताना कमेंट में आपको कैसा लगा, एंड हो सकता है मैं कुछ नया ट्रिक ढूंढ के लाऊं ठीक है गाइस, तो आपको यहां पर कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड गाइस मैं मिलूंगा इसी गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Shut me now.